हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लिक्विड स्वाइप एनिमेशन का फ्लटर में कैसे यूज़ करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जो कि अभी पूरी तरह से ब्लैंक है। तो लिक्विड स्वाइप एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है लिक्विड स्वाइप। फिर उसके बाद हम स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर लिक्विड स्वाइप विजिट को पास कर देंगे जो कि एक रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करता है पेजेस। तो पेजेस के अंदर हमें लिस्ट ऑफ विजिट्स देनी होती है। तो मैं यहाँ पर दो तीन कंटेनर विजिट्स पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंटेनर विजिट्स पास कर दिए हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पर पेज को स्विच करूँगा तो हमें कुछ एनिमेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमें एनिमेशन देखने को मिल रही है। तो अभी ये पेजेस लूप में स्क्रॉल हो रहे हैं। तो अगर हमें इनकी लूपिंग बंद करनी है तो यहाँ पर हमें लिक्विड स्वाइप के अंदर इनेबल लूप का एक पैरामीटर मिलता है, जिसको अगर हम फॉल सेट करते हैं तो ये एनिमेशन लूप में चलनी बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें एक और पैरामीटर मिलता है, इनेबल साइड रिवील, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल सेट रहता है। अगर इसे हम ट्रू सेट करेंगे जिससे कि हमें यहाँ पर एक बार दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक और पैरामीटर मिलता है, स्लाइड आइकन विजिट, जिससे हम यहाँ पर कोई भी आइकन या एक विजिट शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आइकन पास कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें एक आइकन शो होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन का यूआई है जिसमें मैंने लिक्विड स्वाइप की जगह पेज व्यू का यूज़ किया हुआ है। तो अगर हमें इस यूआई को लिक्विड स्वाइप से चेंज करना है तो वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि लिक्विड स्वाइप और पेज व्यू के पैरामीटर्स लगभग सेम ही है। तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पेज व्यू की जगह लिक्विड स्वाइप पास कर दूंगा। उसके बाद हमें लिक्विड स्वाइप के अंदर अगर कंट्रोलर पास करना है तो कंट्रोलर की जगह हमें यहाँ पर लिक्विड कंट्रोलर लिखना होगा। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर पेज कंट्रोलर की जगह लिक्विड कंट्रोलर पास करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लिक्विड स्वाइप के अंदर ऑन पेज चेंज कॉल बैक मिलता है, जो कि बिल्कुल सेम है ऑन पेज चेंज की तरह। तो इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो हमें यहाँ पर चिल्ड्रंस की जगह पेजेस पास करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर कंट्रोलर डॉट एनिमेट टू पेज के अंदर सिर्फ इंटीजर पेज देना है। तो यहाँ पर मैं बाकी के पैरामीटर को हटा देता हूँ और यहाँ पर पेज पास कर दूंगा। और वैसे ही सेम हमें यहाँ पर भी करना है, इन दोनों पैरामीटर्स को हटा देना है और बस यहाँ पर पेज पास कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पेज व्यू को लिक्विड स्वाइप में चेंज कर दिया है। तो अगर अब मैं यहाँ पर स्वाइप करूँगा तो हमें यहाँ पर लिक्विड एनिमेशन देखने को मिलेगी। तो अगर अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तब भी हमें लिक्विड स्वाइप एनिमेशन ही देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर वो दो पैरामीटर भी पास कर देता हूँ, इनेबल साइड रिवील। तो अब हमें यहाँ पर साइड बार भी दिखना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हम फ्लटर में लिक्विड स्वाइप एनिमेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।